इश्क मुर्शिद स्नैक्स। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, 10 रुपए के पापड़ मिलते हैं, हमने इसका रिव्यू करना आज और देखते हैं कि ये हलाल है या क्या है, इसका जायका कैसा है। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं इश्क मुर्शिद और इसके ऊपर फवाद अली है और साथ में हीरोइन कौन है। मुझे इसके नाम का नहीं पता, ये आप मुझे बताइए। इसके अलावा इसके ऊपर हलाल का लेबल है वो अभी तक मुझे नज़र नहीं आया, ये लिखा हुआ है फूड्स। लेट्स सी, अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो यार मसला पता क्या है, बहुत सारे ऐसे स्नैक्स के ऊपर हलाल लिखा होता है बट इसके ऊपर हलाल नहीं लिखा हुआ, तो फिर आई डोंट नो कि मुझे इसे बिस्मिल्लाह। ओए ओए ओए, बड़ी गंदी स्मेल आई है। ये है जी इश्क मुर्शिद। बेंगन वाले पापड़ों में भी यही निकलते हैं, इश्क मुर्शिद से भी यही निकल रहे हैं, और एक और थे उसमें से भी इसी तरह के निकले थे। और चूंकि इसके ऊपर हलाल नहीं लिखा हुआ, इसके लेबल के ऊपर मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कोई ऐसा मसाला डाला जा रहा है जो कि हलाल ना हो, या किसी की चर्बी से, पता नहीं किसी गंदे ऑयल से बना हो जो कि मुजरे सेहत हो, तो मैं इसको नहीं खाने वाला। और इसको जब मैंने खोला तो मुझे बड़ी अजीब सी स्मेल आई है इसमें से। 10 रुपए के बड़े चीप मिल रहे हैं, इसका चस्का पार्टी तो हो ही जाता बच्चों का, बट आपको पता होना चाहिए अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। ये तो भाई मैं ये चेक नहीं करने वाला।